हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीडीएस के साइंस के पीवाईक्यू की सीरीज। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीडीएस 2 2023 से। और मैं यही बता दूं, दिस पीवाईक्यू इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन योर प्रिपरेशन। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज आपने बहुत सारे पीवाईक्यू सीरीज देखे होंगे, बट द वहां पे ये रहता है कि भाई एक क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शन है और आएगा कोई भी आपको बता के चला जाएगा कि भाई ये आपका आंसर है। ठीक है, जो बाकी के तीन ऑप्शंस हैं हमारे, इनको कोई केटर नहीं करता है। ठीक है, तो यही हमारा एक इम्पॉर्टेंट फंडा रहने वाला है इन दीज वीडियोस, जो कि अभी सारी अपकमिंग वीडियोस होंगी बाकी सारे ईयर्स की भी, उसमें हम लोग इन सभी को भी केटर करेंगे। और उसके अलावा जो आंसर होगा उसको तो ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली थ्रू हिज आईज बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। द पॉसिबल रीजंस रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट कुड बी। ठीक है, सो भाई अब ये जो यहाँ पे है ना कि नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो जो बंदा है उसको है जो आई डिफेक्ट, उसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस को हम मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें जो कर्वेचर है वो बड़ा हो जाता है, राइट? सो एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग जो है वो होता है इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारी इमेज है, वो इमेज जो फॉर्म होती है वो होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, जो आपका आई बॉल है उसमें ये जो पीछे का पोर्शन रेटिना है उससे पहले ही इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो हमें इस इमेज को यहाँ लेके जाना है, तो ऑब्वियसली कौन सा लेंस यूज करेंगे हम? डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अ मायोपिया का, राइट? सारा का सारा ये मैंने आपको बताया, राइट? उसमें ऑप्शन देखोगे आप तो कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो एक्सेसिव कर्वेचर है वन सही है, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल नहीं गलत जाएगा, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लार्ज, ठीक है ये भी गलत हो जाएगा, और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल सही हो जाएगा, राइट? ये दोनों चीजें हमने यहाँ देखी, ये और ये, राइट? तो हमारा वन एंड फोर जो है वो सही है ऑप्शंस। ये जो दोनों बाकी है ना टू एंड थ्री, ये है हमारा लॉन्ग साइटेडनेस के लिए। ठीक है, जिसको कि हम हाइपरमेट्रोपिया बोल, ठीक है ना? तो ये उसके रीजंस हो जाएंगे, क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। इट सेज, अ कंसिडर अ जर्नी बाय अ कार रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ गिवन बिलो इन थ्री पार्ट्स ए बी एंड सी। ठीक है, द स्पीड ऑफ द कार इन दीज पार्ट्स इज वी ए वी बी एंड वी सी। ठीक है, तो वी है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी बताया हुआ है। अब हमसे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस केस, मतलब इसको एक ऑर्डर में लगाया हुआ है कि कहाँ पे, यहाँ पे जो हमारा वी ए है, फिर उसके आगे हम जो ये वाला पोर्शन है हमारा दैट इज वी बी, एंड देन द नेक्स्ट पोर्शन इज वी सी। ठीक है ना, तो इसके आगे ये इन तीनों में पूछा कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, राइट? तो अब इस ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो हमें देखना है स्लोप, जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा ना उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा जो बी का स्लोप है वो सबसे ज्यादा स्टीप है, दैट मीन्स वी बी जो है वो सबसे ज्यादा है। इससे कम कौन होगा? तो आप सी और ए के स्लोप में से क्लियरली यू कैन डिफरेंशिएट कि जो ए है उसका स्लोप ज्यादा है और उससे सबसे कम क्या है, सी का। सो वी बी ए सी, ये है हमारा आंसर, दैट इज बी ऑप्शन, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके चलिए, फिर नेक्स्ट आता है, अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो कनकेव मिरर है सबसे पहले, ठीक है, तो एक कनकेव मिरर ये हो गया, ये वाली साइड पॉलिश होगी, यहाँ पे हमारा एक हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका हमें दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मतलब जो सी है हमारा वो यहाँ पे है, यहाँ से लेकर के हमारा पोल तक का जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर, पोल हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें बोला है ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है वो हाफ डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर पे, हमको पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल, ठीक है, 2f, मतलब अगर फोकल लेंथ निकालेंगे तो आर बाई टू दैट इज 25 ही आएगा, तो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। अब हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट रखते रहते हैं हमारा एफ पे, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा
इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले के थ्रू भी देख सकते हैं, जो हमारा मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/u + 1/v = 1/f, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा u होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है लेफ्ट से, तो क्या करेंगे हम, 1 अपॉन -25 = 1 अपॉन -25 + 1/v = 1 अपॉन -25। फोकल लेंथ भी लेफ्ट है, जो भी चीजें लेफ्ट होती हैं हमारे पोल से, ठीक है, वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाता है। तो 1/v अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/25 + 1/25, ये उधर जाकर के हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 25 है, 1 2 गलती से लिख दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 1/v क्या हो गया, 0। तो अगर v निकालेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 1/0, दैट विल बी दी दिस विल बी इक्वल टू योर इंफिनिटी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इफ द मून इज ब्रॉट क्लोजर टू द अर्थ सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द मून विल। अब जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है, न्यूटन ने जो दिया था, उसमें क्या आया था कि उसमें हमारा जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था, इसको हमने ये हटा करके कॉन्स्टेंट लगाया था, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब उसने बोला कि भाई r हाफ हो गया, ठीक है, तो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। अब अगर हो गया r हाफ, अब एक हाफ का स्क्वायर होगा तो ये 1/4 हो गया, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर, दैट इज इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे जो जी होता है उसका क्या होता है वैल्यू, तो 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो एस आई यूनिट होता है वो ये हो गया। अब जो इसका डायमेंशन अगर आप निकालोगे, तो डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, इसका डायमेंशन आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, ठीक है। सोनिक बूम तब क्रिएट होता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा पे ट्रैवल करता है, ठीक है। जनरली ये फाइटर जेट्स हो गए या कोई भी ऐसे जेट्स हैं जो कि इस स्पीड से ज्यादा पे ट्रैवल करेंगे, सोनिक बूम क्रिएट होता है। अब होता क्या है ना, जब भी सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं इसको, ठीक है, सुपरसोनिक मतलब ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो सुपरसोनिक स्पीड पे जब भी कोई जेट ट्रैवल करता है तो भाई अब उसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती है, ठीक है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं एयर में। अब वो ट्रैवल कर रही है साउंड की स्पीड से, बट उससे ज्यादा स्पीड में पहले एयरक्राफ्ट आगे जाकर के और भी वेव्स को पीछे की तरफ भेजना शुरू कर देता है, उसकी वजह से ऐसा एक कॉनिकल डिस्टरबेंस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है हमारा एयरक्राफ्ट, ठीक है, दिस इज योर एयरक्राफ्ट लेट्स से, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट की वजह से यहाँ पे हमारा सोनिक बूम एक कॉनिकल डिस्टर्बेंस स्फेयर बनना या शेप बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, एक रीजन। इसकी वजह से होता क्या क्या, अगर बहुत ज्यादा सोनिक बूम किसी आसपास से गए तो भाई ट्रीज भी उखड़ सकते हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, जो ग्लास है विंडो के वो भी टूट सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हो सकती हैं सोनिक बूम की वजह से, अगर कोई पास से गया है जेट या कोई भी ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए फिर देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट सिंबल्स फॉर एलिमेंट गोल्ड टिन एंड लेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो गोल्ड का जो हमारा आ, आ, ये होता है सिंबल होता है वो होता है AU, जिसको कि हम बोलते हैं, जिसका कि लैटिन नेम होता है ऑरम। जो टिन होता है हमारा, टिन का होता है SN, जिसको कि हम बोलते हैं स्टैनम। और जो लेड है, लेड को हम बोलते हैं प्लम्बम, ठीक है, ठीक है। लेड का सिंबल हो गया PB, ठीक है। तो AU, SN एंड PB, ये आप देखोगे तो ऑप्शन सी हमारा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ दिया है जैसे कि GA, AT, ठीक है। तो अब इसको अगर आप देखोगे तो ये SB भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको अगर आप देखोगे क्या क्या होता है, GA जो है हमारा वो होता है गैलियम, ठीक है, गैलियम होता है। देन AT जो है वो होता है एस्टेटीन, ठीक। फिर आते हैं हमारा SB, जिसको कि हम बोलते हैं एंटीमनी, ठीक है,
एंटीमनी बोलते हैं, और इसका लैटिन नेम अगर आप देखोगे तो वो होता है स्टाइबियम, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके की लैटिन नेम आपको जानने जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, सिल्वर, इनके नाम आपको लैटिन नेम आपको पता होने चाहिए। मरकरी भी है एक, ठीक है। सो प्लीज इफ यू नो दिस यू हैव टू कमेंट डाउन इन 10, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर ऑफ वीनस एंड मार्स, ठीक है। तो वीनस एंड मार्स पे जो है वो दैट इज 95 to 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे तो भाई वीनस वगैरह पे तो एसिड रेन होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम अर्थ की बात करें तो ऐसे 0.02 0.03% है। इस वजह से ये बढ़ना शुरू होता है, तो हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और ये ग्लोबल वार्मिंग वहां पे क्या हालत होगी, क्योंकि करता क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेता है। तो जब इतना परसेंट, यानी कि पूरा का पूरा एटमोसफेयर ही कार्बन डाइऑक्साइड है, उस टाइम पे क्या ही होता हो, सोच के देखो, ठीक है। एसिड रेन होती है वहां पे, कोई भी रेन होती तो एसिड रेन ही होती, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड के जो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान देना कि कैटायन या एनायन नहीं बोला है, ठीक है। अगर कैटायन या एनायन बोलता तो हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते थे, ठीक है। हीटिंग मेथड्स को स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा हीटिंग मेथड की बात हुई, ठीक है ना। फिर तो हमारे पास बचता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एज आर राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है, जब जो भी चीजें उसमें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, उसके हम बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अलग अलग चैम्बर में रखते हैं उनको, मतलब नीचे वाले चैम्बर में रखते हैं, फिर बॉयल करना शुरू करते हैं। अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे वो सभी अपने अपने चैम्बर में जाते हैं, और थ्रू अ आउटलेट बाहर की तरफ आकर के सबके सब सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, O2 हो गया, N2 हो गया, आर्गन हो गया, ये गैसेस, तो इन सभी को भी करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ये हाँ, एक ऑप्शन रहेगा डिकम्पोजिशन फॉलोड बाय आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज मेथड जो है ये, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आए हुए हैं आयन एक्सचेंज मेथड पे, ठीक है। ये करते हैं हम सॉफ्टनिंग वाटर, ठीक है, या सॉफ्टनिंग आप बोलोगे तो हार्ड वाटर अगर आप देखोगे तो, उसके लिए होता है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है ना। चलिए फिर आते हैं, ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स स्लेक्ड लाइम रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट दिस करेक्टली, ठीक है। अब होता क्या है ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, सबसे पहले तो क्या होता है, जो क्विक लाइम है दैट इज CaO, ये रिएक्ट करता है H2O से और फिर बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा स्लेक्ड लाइम, ठीक है। उसके बाद अब स्लेक्ड लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करता है आपका CO2 से और बना लेता है CaCO3+H2, ठीक है, ये होता है। बट अब ये जो CO2 है उसको एटमॉस्फेयर से मिलता है, तो ये कौन से फॉर्म में होगा, गैशियस फॉर्म में, ठीक है ना। ये हमारे पास दो ऑप्शन है सेम, ठीक, लेकिन इसमें CO2 लिक्विड है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ये, क्योंकि यहाँ पे CO2 गैशियस फॉर्म में, ठीक है ना। सो योर आंसर इज डी, ओके, ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन इन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले बस गिन लेना है, इसमें कुछ नहीं। कभी कभी लोग ना बैलेंस्ड इक्वेशन देख के ही घबरा जाते हैं, स्पेशली दोस्त हु आर फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड, ठीक है। सो प्लीज ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल फ्री के नंबर है इस क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, बस लेफ्ट साइड और राइट साइड के ना एलिमेंट्स गिन लेने, ठीक है। तो अब अगर आप LHS पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और ऐसे ही RHS पे देख लो, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला हम अगर देखें तो इसमें आयरन कितना है, इसमें आयरन एक है, ठीक है, और इधर आयरन कितने हैं, तीन है, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें आयरन कितने हैं, तीन, और इधर कितने हैं, तीन, तो आयरन चलो सही है। हाइड्रोजन अगर देखें तो कितने हैं, हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और ये दो, 2 × 2 4 हो गए, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आते हैं 3Fe, जो तीन हाइड्रोजन, तीन आयरन है, तीन आयरन है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 8, 8 हाइड्रोजन है, और इधर भी 4 × 8 8 है, और ऑक्सीजन कितना है, ये 4 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये हमारा सही है, दैट इज ऑप्शन सी। इसमें आपके पास आयरन तीन है,
हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 4 है और सेम इधर भी है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, बस गिनना होता है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। द टर्म फाइलोटैक्सी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ, ठीक है, फाइलोटैक्सी जो होता है ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है, तो मतलब या कि कौन से पैटर्न को रेफर करते हैं, तो इट इज रेफर टू द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है। और जो ये फाइलोटैक्सी है हमारा, ये एक्चुअली थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स के, जैसे एक होता है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, फिर होता है वोल्ड फाइलोटैक्सी एंड थर्ड इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी, ठीक है। चलिए फिर आते हैं, क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड, ठीक है, सो क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, वो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं हिस्टोन्स। इस हिस्टोन्स के अराउंड ये डीएनए होते हैं रैप्ड, ठीक है ना। तो लिख ही देता हूँ, डीएनए आर रैप्ड इन अ कॉइल स्ट्रक्चर अराउंड हिस्टोन्स, ठीक है ना। अब जो ये हमें पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो एक्चुअली 23 पेयर होते हैं, तो जितने भी हमारे 22 पेयर हैं वो उन सभी को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। और अदर देन दैट जो 23rd पेयर है, ठीक है, उसको हम बोल वो होते हैं हमारे सेक्सुअल क्रोमोसोम्स, ठीक है, या सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक्स और वाई, दो टाइप के, ठीक है। लेकिन जो फीमेल बॉडी होती है उसमें फीमेल के हमारे जो ओवरी या ओवम होता है उसमें सिर्फ एक्स और एक्स सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेल होता है, मेल की बॉडी में एक्स एंड वाई दोनों तरह के क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन्स, सच अ रीजन इज कॉल्ड, ठीक है। अब बताता हूँ आपको यहाँ पे सबसे पहले सबके बारे में। तो जो न्यूक्लियोसोम्स हैं हमारे, ठीक है, तो ये एक्चुअली डीएनए का एक सेक्शन होता है, ठीक है, सेक्शन ऑफ डीएनए जो कि रैप्ड होता है किसके अराउंड, प्रोटीन के अराउंड, ठीक है। और प्रोटीन का क्या नाम था अभी बताया था, हिस्टोन्स, ठीक है, जो प्रोटीन का चेन्स होते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोन, हिस्टोन्स, ठीक है। सेक्शन ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड प्रोटीन, फिर न्यूक्लियस, हमें पता है न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन अगर आप देखोगे तो क्या होते हैं ये ना, जो लिपिड्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम आता है, सर्व एज लिपिड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटीन स्टोरेज, ठीक है। फिर जो हमारा न्यूक्लियोइड है ये होता है ये रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली डीएनए विदाउट विदाउट प्रोटीन्स, ठीक है, बाकी सबके डीएनए विद प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड में ऐसा नहीं। ओके, सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इन द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल, फाइव पार्ट्स आर मार्क्ड फ्रॉम 1 to 5, हमें ये आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक। सबसे पहले आप देख लो, अगर वन की बात करें, ठीक है, तो वन जो है सबसे आउटर मोस्ट है, ये सबसे आउटर मोस्ट है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, यहाँ पे आप देख लोगे, ठीक है, सॉरी इधर भी वो एडजेसेंट है ये वाला एंड सेल वॉल, ठीक है, वन। फिर सेल वॉल के बाद आप अगर देखोगे तो हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले देखो सेल वॉल था, और सेल वॉल के बाद हमारा आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, टू, तो वन सेल सेल वॉल और टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें नहीं है ये ऑप्शन गलत हो गया था, सेकंड वाला अभी है और थर्ड वाला है और फोर्थ वाला भी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर थ्री जो है हमारा वो क्या दिया हुआ है, तो जो थ्री दिया हुआ है हमारा वो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हुआ कहीं पे, दो टाइप के होते हैं, एक रफ हो गया एक स्मूथ हो गया, तो ये वाले जो है हमारे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। थर्ड हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये भी तीनों में कॉमन है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन चला गया अभी हमारा। देन फोर्थ है हमारा ये वाला, फोर्थ इज दिस, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और उससे भी बड़ा एक खाली जगह होती है दैट इज नोन एज वैक्यूल, जिसमें कि हम फूड वगैरह स्टोर करके रखते हैं, दैट इज योर फिफ्थ, ठीक है। तो फोर्थ न्यूक्लियस हो गया एंड फिफ्थ वैक्यूल, सो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पेंडुलम एट डिफरेंट पोजिशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब ये जो पेंडुलम कभी भी ट्रेवल करता है ना, जितना मैक्सिमम वो जा सकता है दैट इज नोन एज एक्सट्रीम पोजिशन, एंड जो भी यहाँ पे सेंटर में रहता है दैट इज नोन एज इट्स मीन पोजिशन। अब यहाँ दोनों में ना क्या होता है, फोर्स एक्सेलरेशन वेलोसिटीज ये अलग अलग होती है। कैसे हो जाते हैं, जैसे अब यहाँ पे वो सबसे, जब भी ये पेंडुलम इधर से इधर ऐसे जाता है तो उसका टारगेट क्या होता है, उसका एम क्या होता है, उसका एम होता है यहाँ आना। जब भी वो यहाँ रहेगा उसके बाद वो अपने आप मूव नहीं करेगा, यहाँ जाएगा तो अब फिर वापस इधर की तरफ मूव करेगा, इधर जाएगा तो वापस इधर की तरफ मूव करेगा, बट यहाँ अगर है तो फिर और कहीं भी मूव नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मीन पोजिशन पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है। एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो जीरो होगा क्योंकि फोर्स ही नहीं है। अब एफ इज इक्वल टू क्या है, एम ए। जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे होगा। ठीक है, फिर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। अब आप सोचोगे कि एक्सेलरेशन तो भाई जीरो है, फोर्स कुछ लग नहीं रहा, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे होगी। तो सोच के देखो, जब भी कोई पेंडुलम यहां से शुरू होगा इधर की तरफ आना, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो यहां से यहां तक आएगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर यहाँ के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, मतलब इधर क्या होगी, इसकी स्पीड कम होनी शुरू होगी और यहां से यहां तक इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती रहेगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। और वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम, मतलब एम जी एच, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे जीरो हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा या फिर जीरो होगा, राइट। तो एंड सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट एक्सट्रीम पोजिशन, तो इन सभी का बस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल है तो यहाँ पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम तो वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो पी क्यू आर एस टी, सबसे ज्यादा क्या है, द पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एट, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एट एनर्जी पोजिशन है पोजिशन पी एन टी, मिनिमम पोटेंशियल कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, आर पे होगा, तो ये गलत हो गया। पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू एंड एस, ये भी गलत हो गया, क्यू एंड एस नहीं है। ठीक है, पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर, ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज द स्पीड ऑफ साउंड द मैक्सिमम। तो जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो एक्चुअली सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड्स में और उससे कम गैसेज में, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सॉलिड कौन सा है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा क्या स्पीड स्टेनलेस स्टील में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, दैट इज अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी वी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फर्स्ट एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। अब जो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को वी से करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच सेज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू क्या है चार्ज, वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। नाउ जो फोर्स हम यहाँ पे निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो साइन थीटा पे डिपेंडेंट होगा, इसकी वैल्यूज पे तो है ही, उसके अलावा साइन थीटा की, क्योंकि थीटा कितना है एंगल, ठीक है ना। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है इनके बीच का एंगल, हमें साइन की वैल्यूज पता है, साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो, साइन जीरो पे, ठीक है, फिर 30 डिग्री पे जाएंगे तो कितना होगा, 1/2, फिर 45 पे जाएंगे तो 1/√2, फिर 60 पे जाएंगे तो हो जाएगा √3/2, और 90 पे जाएंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली साइन 90 पे क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। इसी हिसाब से जब आप देखोगे तो साइन 90 अगर है इसके बीच, मतलब अगर वी और बी क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमारा जो फोर्स है वो मैक्सिमम आएगा, राइट। तो अब अगर आप देखोगे ऑप्शंस, तो यहाँ पे देखोगे एफ इज मैक्सिमम व्हेन वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके चलिए फिर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। अगेन ये बहुत ही ज्यादा क्या बोले, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जो फ्री के मार्क्स हैं वो हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे जो फारेनहाइट से हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए होता है 9/5 C+32, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है TC, मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस, राइट। तो ये है हमारा कौन सा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रैवल ऑफ अ लाइट बीम फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखो लेट्स से कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ड्रॉइंग कर लेते हैं। अब ग्लास स्लैब में एक हमारे पास ऐसे
नॉर्मल आएगा, ठीक है। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है राइट। अभी अगर हम यहाँ पे एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ अगर हम एक लाइट रे को भेजें, ठीक है, लाइट रे को भेजें यहां से, ठीक। अब हमें पता है कि ये एक हमारा है रेयर मीडियम, और ये है हमारा एक डेंसर मीडियम, और फिर से ये हमारा एयर क्योंकि रेयर मीडियम। तो जब भी रेयर से डेंसर जाएगा, ठीक है, रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है, क्या लाइट रे। सिमिलरली जब डेंसर से रेयर आएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है। तो अब यहां पे जब जाएगा ना, तो इसको जाना चाहिए था इधर सीधा सीधा, बट ये क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बना रहा हूँ यहाँ तक पहुंचना है इसलिए, ठीक है, वरना सीधी बन जाती। अब यहां से यहाँ हमारा सीधा जाएगा, फिर इसके बाहर जब आना आएगा तो इसको जाना चाहिए था इधर, बट क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होकर के निकल जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल लाइन वॉज दिस और फाइनल लाइन वॉज दिस, ये दोनों पैरेलल निकलते हैं राइट। तो अभी देखो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। सो अ लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ठीक है। इनके वेलोसिटीज में भी चेंज आता है जब रेयर से डेंसर में जाएगा, तो ऑब्वियसली इमेजिन की यू आर रनिंग ऑन अ रोड, ठीक है। अब रोड से भागते भागते आप कहाँ चले गए, डेजर्ट में चले गए, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, रेयर से डेंसर में आया तो इसकी स्पीड स्लो होगी, फिर डेंसर से रेयर में जाएगा, फिर वापस से स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच सेज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बर्निंग ऑफ कैंडल हमारा राइट आंसर है। कैसे, तो जब भी एक कैंडल आप देखोगे, ठीक है, कैंडल में एक सेंटर वाला पोर्शन होगा जहां पे विक ऑफ द कैंडल होती है, जो बत्ती होती जलती है, ठीक है। तो वो वाली वो बत्ती प्लस इसके आसपास की जो ये जगह है, ठीक है, ये सभी क्या होती है, इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाती है इस वजह से, या बोलो तो क्या हो जाती है, सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है, CO2 वगैरह बन जाएगा, ये पत्ती जल जाएगी, ठीक है, तो उसकी उसकी वजह से CO2 बनेगा। बट इसके जो आसपास वाले एक्स्ट्रा हैं, ये हो गया और ये हो गया, ये क्या करते हैं, ये मेल्ट होते हैं बस, ठीक। तो ये होता है हमारा यहाँ पे फिजिकल चेंज, और ये जो बना CO2 अलग चीज बनी, ये होता है हमारा केमिकल चेंज, ठीक है ना, ये रिवर्सिबल नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों ही केसेस हो रहे हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर वॉट, दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, लेकिन दोनों में बहुत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, लिखा हुआ है डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये गलत है। डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत हो गया, क्योंकि देखो आंसर तो हमें मिल ही गया, बता रहा हूँ इसके बाद। डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, नहीं, एक का टेट्राहेड्रल होता है, एक का हेक्सागनल होता है। तो ऑप्शन ये डी भी हमारा गलत हो गया। सो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड, तो जो शुगर है वही कंपाउंड है, बिकॉज इसका एक फॉर्मूला होता है C12H22 एंड O11, जो एयर मिल्क टी है, ये सभी क्या हमारा मिक्सचर हो गया, ठीक है ना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, ठीक है। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो है हमारे वो टोटल है 94, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, शायद NCERT में 98 दिया हुआ, एक बार चेक कर लेना। इन दैट केस ऑल्सो 94 जो है वो क्लोजेस्ट है इसके, इसीलिए हम ये आंसर टेक कर, ठीक है ना, ऑप्शन बी, ओके। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसिड्स इज नॉट करेक्ट, राइट। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द हाइएस्टिक जूसेस सेक्रेट बाय स्टमक, ये सही है। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सही है। ऑक्सैलिक एसिड इन टैमरिन पेस्ट, नहीं, ये गलत है। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो हमारा होता है टोमेटो में, टामरिंड जो है वहां पे हमारा होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, ओके। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है फर्स्ट, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करके ये क्या करेगा, एनर्जी निकाले, ठीक है। फिर जो हमारा
क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस में मदद करना, ठीक है। फिर हमारा है राइबोसोम, जिसका भी काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। फिर आते हैं हमारा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। तो अब जब इसका प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का, तो इस ये जो चारों चीजें हैं, अब आप मैच करोगे तो आपको ऑप्शन ए में ही मिल जाएंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर। ओके, देन वी कम ऑन टू सेल वॉल इज एबसेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका। इसका आंसर जो है हमारा वो है बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें ये एबसेंट होता है, ठीक है, सॉरी टेप फॉर्म में एबसेंट होता है, राइट। ये वाला है हमारा आंसर। अब बैक्टीरिया में, डायटम में और मशरूम में, इसमें हमारा सेल वॉल होता है एक्चुअली। जो बैक्टीरिया है उसमें जो सेल वॉल बना होता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है सेल वॉल। जो डाई एटम्स हैं उसमें होता है सिलिका का बना हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रस्टूल, फ्रस्टूल, फ्रस्टूल कुछ भी, राइट। फिर जो मशरूम्स होते हैं वो एक्चुअली फंगाई होते हैं, तो इसमें जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है चिटिन का। चिटिन इज कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। चलिए, फिर टेप फॉर्म में हमारा सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल्स इन टॉल ट्रीज, द प्रोसेस इन विच प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट आर, ठीक है। सो एक्चुअली में यहाँ पे ट्रांसपीरेशन जो है वो क्या करता है, सक्शन फोर्स हमें प्रोवाइड करता है वाइल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, सक्शन फोर्स, ठीक है। और इसके अलावा जो जाइलम है उसमें कोहेशन एंड अडेशन वो करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है, राइज ऑफ वाटर, ठीक है, या राइज ऑफ लिक्विड। ओके, तो ये तीनों ही हमारे सही हैं, ट्रांसपिरेशन, पुल, कोहेशन एंड एडेशन, ये तीनों ही हमारे सही हैं फॉर द प्रोसेस जिसकी वजह से जाइलम जो क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है इन अ ट्री, ठीक है। चलिए फिर आते हैं, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। तो अब होता क्या है, जो एनर्जी है, एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है, एक डायरेक्शन में, कैसे कि भाई जो प्रोड्यूसर्स है उनसे कंज्यूमर में जाएगी, ठीक है, ऐसे ही चल रही है, वापस नहीं जाती, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है, इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब रिसाइकल हो जाते, ठीक है। तो ये हमारा वापस आता है, बट ये हमारा सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है ना। तो आप आंसर देखोगे तो योर आंसर विल बी एनर्जी फ्लो इन यूनि डायरेक्शनल एंड न्यूट्रिएंट फ्लो इज साइकिल, ठीक है, बिकॉज ये रिसाइकल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो है राइजोपस, ठीक है। अब सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ऑटोट्रॉप्स हो गए, ऑटोट्रॉप्स हो गए, देन हेटरोट्रॉप्स हो गए, सैप्रोफाइट्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, ठीक है। इन सभी के अलग अलग मतलब है, जैसे कि ऑटोट्रॉप जो कि अपना खाना खुद बनाएंगे, हेटरोट्रॉप जो कि ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट है, सेफ्रोफाइट जो कि डेड एनिमल पे रहते हैं, पैरासाइट मतलब जो किसी और की बॉडी में रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे आप देखोगे जो कैस्केटा है वो पैरासाइटिक है, ठीक है। राइजोपस मैंने आपको बता दिया क्या है, एक सेफ्रोफाइट, ठीक है। जो स्पाइरोगैरा है ये और ग्रास, ये दोनों के क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। तो राइजोपस जो है हमारा आंसर है। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है न्यूसिलस, ठीक है। अब न्यूसिलस सबसे पहले ये हैप्लॉइड सेल नहीं है, ये एक डाइप्लॉइड सेल है, ठीक है। और जो बाकी जैसे ये साइनर्जिड, एग एंड एंटीपोडल, इन सभी का मैं बताता हूँ। तो साइनर्जिड है, इसमें टू हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। जो एग है उसमें वन हैप्लॉइड सेल होता है, और जो एंटीपोडल है उसमें तीन हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है ना। तो ये है हमारा आंसर, क्या ए, ऑप्शन ए इज योर आंसर।
या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू हैव एंजॉयड इट, आई होप यू हैव फाउंड इट इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशंस. आई विल कीप कमिंग विद दिस काइंड ऑफ वीडियोस एंड अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो कीप योर पेन एंड पेंसिल रेडी विद योर नोटबुक्स ऑल द टाइम इन केस यू मिस सम इन्फॉर्मेशन, राइट? फॉर फर्दर एनी डाउट्स यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू द नेक्स्ट वन. जय हिंद.